इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस बिलासपुर रोड मुंगेली। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, और वैसा ही हुआ। प्रदेश में कांग्रेस 68 सीटों की बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में सफल रही। सरकार बनते ही उन्होंने किसानों का कर्जा माफी का वादा पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक व कोऑपरेटिव बैंक के किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। इसी कड़ी में जिन किसानों ने कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा लिया था और उनका बैंक अकाउंट लिंक होने की वजह से धान बेचते समय अकाउंट से बैंक द्वारा पैसा काट दिया गया था, उन किसानों के कर्ज का अमाउंट उनके अकाउंट में ही भूपेश बघेल सरकार द्वारा वापस कर दिया गया है, जिससे किसानों के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है और वे कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। राज्य शासन के, जैसा कि आप लोग को अवगत होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो जो कटौती की धान में कटौती की राशि है, जो कर्ज की राशि है, वो सभी माफ़ कर दी जाएगी। इसी के तारतम्य में हमको निर्देश प्राप्त हुआ राज्य शासन से कि जितने भी किसान हैं उन्होंने जिन्होंने धान के माध्यम से अपनी लिंकिंग के माध्यम से अपने कर्ज की कटौती करवा चुके हैं, कर्ज पटा चुके हैं, उन सभी के खाते में पुनः राशि को वापस जमा करना है। तो ये कल हमने ट्रायल भी किया था, 24 किसानों के खाते में ट्रायल की राशि लगभग 10 लाख रुपए डाले थे। उसी के आधार पे आज हमने हमारे ब्रांच के अंतर्गत 14 उपार्जन केंद्रों के लगभग 1231 किसान का 4,34,00,000 रुपए आज हमने उनके खाते में, सभी किसानों के खाते में जब वापस जमा कर दिया गया है, और सभी किसान अपना बैलेंस चेक करवा के खुश हैं कि उनके खाते में राशि आ गया है। पहले और हुआ है शासन के द्वारा, पर पहले कर्ज माफ़ी में खाद बीज ये देकर उनका कर्ज जो माफ़ था उसको पूरा किया जाता था, पर आज किसानों जो कर्जा लिया है और जो कट चुका है लिंकिंग में, वो उनके खाते में कल से संयोजन हो रहा है। और अभी एक किसान मेरे को फ़ोन किया कि सर मेरे मोबाइल में मैसेज आया है कि जो कटा है लिंकिंग वो मेरे खाते में जमा हो गया। मैं कांग्रेस सरकार ने धन्यवाद देता हूँ, और हमारे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जी ला जो हमारे पिछला कर्जा 10,070 रुपये रही से ओला क्षमा माफ़ कर दिए गए हैं भाई, और हमारे खाता में वो जमा हो गए हैं भाई। मैं भूपेश बघेल और राहुल गांधी धन्यवाद देता हूँ कि 41,600 रुपये मेरे खाता में आ चुका है कर्जा माफ़ के रूप में, और आगामी सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ कि मेरे खाद में परेशानी नहीं आएगा और मेरे परिवार अच्छे से चलेगा। कर्जा जो कटा था लिंकिंग में मेरा पहले, वो कर्जा आज 11 बजे मेरे मैसेज आ चुका है सरकार की तरफ, और मैं सरकार को एक बार फिर कहना चाहता हूँ, सभी बैंक की किसानों का क्रेडिट कार्ड और सभी बैंक का किसान का कर्ज माफ़ी करने का वादा किया था उसको पूरा करें। कितना पैसा वापस हुआ? मेरा 81,000 वापस हुआ है लिंकिंग में जो कटा था, वो आज 11 बजे मैसेज आया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्ज माफी के लिए सरकार द्वारा किसानों को पैसा दिया गया है। इससे पहले जब भी किसानों का कर्ज माफ किया गया था तब किसानों को कर्ज माफी के पैसे से खाद या बीज लेना पड़ता था। मुंगेली से विवेक जायसवाल के साथ विनय राज बांधड़े की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।